हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ, आज क्योंकि हल्दी की रस्म है तो मैं आज आप लोग के सामने मैं शेयर करने जा रही हूँ हल्दी की रस्म। तो आइए मैं ले चलती हूँ आप लोग की हल्दी की रस्म दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे होंगे? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हेलो, होंगे। और मैं मैं भी भी आप लोग को अच्छी ले हूँ। चलने, अभी मैं चल रही हूँ आंटी जी के घर, और फिर मैं आप लोग को हल्दी की रस्म में आप लोग को दिखाऊंगी कि गांव में कैसे हम लोग के यहाँ हल्दी की बनने रस्म सकते होने के लिए। हैं। तो आइए मैं आप लोग को मैं दिखाती हूँ कौन कौन आया हुआ है, और जो होते हैं क्या कहते हैं, जो माड़ों में रखा जाता है वो कलशा वगैरह जो भी, वो भी आ चुका है। तो अभी मैं आप लोग को मैं ले चलती हूँ, आप लोग को फ्रेंड्स बैठ देखिए, यहाँ के पे कलशा वगैरह जो भी है आ चुका है। यहाँ पे देखिए में अभी मतलब बस। बैठे हुए हैं, गीत वगैरह होगा उसके बाद से वो अपना लेंगी। अच्छी फैमिली भी है, तो आइए मैं आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कौन कौन आया है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसी में इस रूम में लड़की मतलब बैठी हुई है जिनकी शादी है, और पूरी फैमिली इनकी है, जो भी रिश्तेदार है वो आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, अब जा रहा है जरा पूजा करके, और जो मिट्टी के बर्तन वो ले जाएंगे बाबा के स्थान पे। तो अब ये पूजा वगैरह करेंगी और उसके बाद स्थान पे ले जाएंगे, क्योंकि इस यहाँ पे है जो सीधा वगैरह दे करके तब वो ले जाया जाता है बाबा के स्थान पे। तो अभी ये लोग ले जा रही हैं रखने के लिए बाबा के स्थान में। आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बाबा के पास तो यहाँ पे पूजा कर दी। तो अभी हम चलते हैं ऊपर में, तो देखिए यहाँ पे चादर वगैरह बिछाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लेट चुका है, जल्दी जल्दी हल्दी का रस्म करना है, क्योंकि अभी 11 बजने वाला है, इसलिए बहुत लेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, इधर एक साइड खाना भी बनने की तैयारी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको भूख लग चुकी थी इस वजह से। तो अभी हम लोग लड़की को ले चल रहे हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग ले जाएंगे ऊपर और हल्दी की रस्में चालू होगी। तो यहाँ भी सब जो भी हैं, लड़के जो भी आ चुकी हैं, सबसे ऊपर छत पे हल्दी की रस्म हो रही है। यहाँ पे पूजा वगैरह कथा वगैरह जो भी है पंडित जी अपना करवाएंगे, और इनका भी मतलब रस्म जो होती है वो तो पंडित जी को नेक जो है वो भी लगता ही है। तो यहाँ पे पंडित जी को देखिए, आंटी जी नेक वगैरह दे रही हैं, यही हैं मतलब इनके यहाँ। और यहाँ पे देखिए, जो भी हवा ठंड भी थी, हवा चल रही थी, दिया बार बार बुझ जा रहा था। तो फ्रेंड्स अब तो यहाँ हम लोग के यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मतलब हम लोग के यहाँ जैसे होता है वैसे, अभी इनके यहाँ कैसे हो रहा है मतलब ऐसे, मैं तो कुछ कुछ चेंज देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोग के यहाँ फ्रेंड्स कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हर जगह सबके यहाँ का अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो इनके यहाँ तो मतलब दूसरे तरीके से यहाँ पे हो रहा है, कुछ कुछ मतलब है जो मुझे पता है, और हर जगह अलग अलग नियम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजाके वगैरह चल रही हैं, आटा नहीं दही नहीं था, तो आटा और हल्दी मतलब वहीं से मजाके वगैरह हो रही है, हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी चढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए हल्दी वो पहले लगा के भाग चुकी है, तो अभी मिल गए लगाने के लिए, तो इनको लगा देंगे। छोटे मतलब इनके वो बड़ी हैं दीदी, और ये मतलब छोटी हैं, इनके बहन की हस्बैंड है। तो देखिए ये भौजाई हैं, और ये पता नहीं कौन है, मुझे मैं नहीं पहचान रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, हल्दी की रस्म में जो भी है वो जैसे भी इनके यहाँ होता है वो तो आप देख ही रहे हैं, और आप लोग के यहाँ कैसे होता है वो तो आप लोग को पता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो लेडीज़ हैं वो तो देखिए हल्दी की बस तो हल्का सा थोड़ा सा रस्म हो रहा है, क्योंकि फेशियल वगैरह हुआ था इस वजह से। तो फ्रेंड्स अभी हल्दी की रस्म तो इतना ही आप लोग देख। तो फ्रेंड्स हल्दी की रस्म आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और तब तक के लिए आज का ब्लॉग इतना ही ख़त्म करती हूँ, तो अगले ब्लॉग में मिलूंगी। ओके बाय फ्रेंड्स।